सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज ईडी ने एक्टर सुशांत के पिता के सिंह का स्टेटमेंट दर्ज किया। के सिंह ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत को उकसाने के आरोप में धोखाधड़ी के आरोप में सुशांत के पिता के सिंह से सवाल किए, क्योंकि यहां पर लेन देन और धोखाधड़ी के आरोप में FIR दर्ज थी। इसी सिलसिले में आज ईडी ने के सिंह का स्टेटमेंट लिया। ईडी ने उनसे सुशांत के बैंक अकाउंट से गायब हुए पैसों के बारे में पूछा। के सिंह से पूछा गया कि अकाउंट में 15 करोड़ रुपए निकाले गए, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली। इसी के साथ ईडी ने पिछले दिनों रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के साथ कुछ लोगों से पूछताछ भी की। बता दें कि 14 जून को सुशांत ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी 2 महीने बाद यहाँ पर हर बार सवाल किया जा रहा है। तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सवाल है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा 14 जून को क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को छोड़ने का ही फैसला ले लिया। अब इस पर सुशांत का परिवार का आरोप है कि ये सारी कारस्तानी रिया और रिया के परिवार की है, तो वही रिया इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है। यहाँ पर सुशांत के पिता ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि रिया चक्रवर्ती के गुनहगार और कातिल को सज़ा मिले और उन्हें इंसाफ मिले, बस वो इतना ही चाहते हैं। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।